हर हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्ली के तीन शुभ और अशुभ संकेत आपको बताऊंगा, क्योंकि बिल्ली हर किसी के घर में आती है और आके कुछ ना कुछ कांड करती है। ऐसे में बिल्ली क्या शुभ संकेत देती है और क्या अशुभ संकेत देती है हमें पता नहीं चल पाता और हम इसे अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर आने वाला कष्ट या हमारे ऊपर आने वाली खुशियाँ हमें नहीं पता चल पाती हैं। पहला संकेत, बिल्ली का घर में रोना। जैसे कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है, उसी तरह बिल्ली का भी घर में रोना अशुभ माना जाता है। इसका ये संकेत होता है कि घर में दरिद्रता या फिर घर में किसी की तबीयत खराब होने वाली है। दूसरा संकेत, बिल्ली का घर में मांस का टुकड़ा गिरा देना। अक्सर आप लोग देखते होंगे बिल्ली अपने मुँह में मांस का टुकड़ा लेके जाती है खाने के लिए, तो ऐसे में बिल्ली किसी भी जानवर का शिकार करती है, चूहे का या किसी भी मांस का टुकड़ा आपके घर में लाकर गिरा देती है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अशुभ संकेत होता है। ये इतना अशुभ संकेत होता है कि घर में अकाल मृत्यु होने तक का संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए ताकि आपके ऊपर आने वाला कष्ट टल जाए। तीसरा संकेत, सुबह के समय बिल्ली का घर में आना। दोस्तों, कौवे का भी सुबह घर में आना शुभ माना जाता है, उसी तरह बिल्ली का भी सुबह के समय घर में आना शुभ माना जाता है। अगर आप सूर्योदय के समय बिल्ली को घर में आते हुए देख लेते हैं तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है।